नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जो आप लोग सेक्रेटरी का जो चुनाव जीते हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद। बार का चुनाव जो है ना, हर साल बार में चुनाव होता है और जो तीन मुख्यतः तीन जो पोस्टें हैं उन्हीं पर कंटेस्ट रहता है, प्रधान, सेक्रेटरी और उप प्रधान। तो पहले भी बार में मैंने चुनाव लड़ा है, भाईचारा है, सहयोग और समर्थन रहा। 2010 में मैंने उप प्रधान का चुनाव लड़ा, उस टाइम भाईचारा ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उप प्रधान बना। उसके बाद 2016 में मैंने चुनाव सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, उसमें जो है थोड़े वोटों से रह गया था, सेकंड पोजीशन पर रहा। उसके बाद 2021 में चुनाव लड़ा, उस टाइम 30 वोटों से लूज कर गया। उसके बाद जो है अब 2022 में मुझे जो है भाईचारा का बड़ा सहयोग और समर्थन सभी वकील साथियों का मिला, आशीर्वाद के रूप में मिला, जिससे जो है 57 वोटों से जीत हासिल हुई। नमस्कार भैया साहब। नमस्कार जी, थैंक यू सर। भैया साहब, जो आप सभी दोस्तों ने मिलकर जो ये चुनाव जीता है, तो इसके बारे में आप खुद क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ अपने दोस्तों को, अधिवक्ताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? रंगी साहब, सर्वप्रथम तो हम आपको नमस्कार करना चाहेंगे आपके चैनल को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी ये जो चुनाव जीता गया है, सभी के सहयोग से जीता गया है, और हम ऐसे ही सहयोग से हर बार किसी न किसी साथी को पदाधिकारी बनाएंगे, चाहे वो प्रधान पद के लिए हो, चाहे वो उप प्रधान पद के लिए हो, चाहे वो सचिव पद के लिए। एक मैं अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये पूरा, मतलब जैसे बार का जो चुनाव होता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, बार एसोसिएशन का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ पर चुनाव किया जाता है और इसके अंदर सभी अधिवक्ता बंधुओं का योगदान होता है और उसके बाद सभी मिलकर ये चुनाव जो है यहाँ करवाया जाता है। तो ये जो बार का आप लोगों का चुनाव होता है, प्रधान का होता है और फिर जो सचिव का होता है जी, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं आप लोग, तो ये मतलब कोर्ट के दायरे का होता है या बार भी? नहीं, ये सिर्फ बार एसोसिएशन का होता है, सिर्फ और सिर्फ बार एसोसिएशन का होता है, जिसमें सभी एडवोकेट्स एनरोल्ड होते हैं, सिर्फ उन्हीं एडवोकेट्स बंधुओं का चुनाव होता है और वही इसमें वोट डाल सकते हैं। टोटल भिवानी, ये टोटल भिवानी, जो भिवानी सिर्फ बार एसोसिएशन, भिवानी बार एसोसिएशन के अलावा यहाँ पर जिले के अंदर तो शाम बार एसोसिएशन भी है, लोहारू बार एसोसिएशन भी है, सिवानी बार एसोसिएशन भी है, जो वहाँ पे एनरोल्ड है उनका चुनाव वहाँ अलग होता है, और ये जो चुनाव है पूरा पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के माध्यम से पूरा पंजाब और हरियाणा में होते हैं, इंक्लूडिंग चंडीगढ़ में। तो आप अपने अधिवक्ता जो दोस्त हैं उनके नाम कोई संदेश अपनी जीत पर कुछ? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बार एसोसिएशन ने भाई नरेंद्र का जीवन पर विश्वास जताया है, मैं उन सभी का हाथ जोड़कर दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। रंगी साहब नमस्कार। मैं सभी भिवानी बार के साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे साथी नरेंद्र काटीवाल को सचिव पद पर विजेता घोषित करवाने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे बीच में तीसरी बार सत्यजीत पिलानिया जी अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं, और समस्त मैं उन साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने बार को आगे बढ़ाने के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया। आज ये जो चुनाव हुआ है ये भाईचारे का चुनाव है, इसमें कोई हार और कोई जीत मायने नहीं रखती। हम सब साथी चुनाव लड़ते हैं और साथियों के बीच में से प्रधान, उप प्रधान और सचिव बनते हैं। तो आज उस जिम्मेवारी को काम करने के लिए दो बार, तीसरी बार पिलानिया जी को मौका दिया साथियों ने, हमारे नरेंद्र भाई काटीवाल को मौका दिया। तो मैं नरेंद्र काटीवाल भाई से आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो बार को आगे बढ़ाने के लिए, बार को और हरियाणा में उचित दिशा देने के लिए संघर्ष करते रहें, अच्छे काम करें, ताकि बार का नाम पूरे हरियाणा में प्रकाशित हो और सबको नजर आए। और मुझे विश्वास है काटीवाल भाई के अंदर वो क्षमता है, क्योंकि जब ये उप प्रधान थे तब भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और आज सचिव बने हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत से काम करेंगे और बार के लिए हमेशा हित के लिए वकील साथियों के पास खड़े मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले रंगी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और सभी बार के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे नरेंद्र भाई तीसरी बार के प्रयास में बहुत अच्छे मार्जिन से विजयी हुए हैं और इनके साथ और जो पदाधिकारी जो बने हैं, मैं इनसे यही अनुरोध करूँगा कि बार के
अच्छे बार काम करे ताकि बारी ने आगे फिर और किसी अन्य पद के लिए मौका दे।